डियर स्टूडेंट्स ऑफ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, आज के इस लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का एक और टाइप डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस प्रिस्क्राइब्ड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी. नाउ द term is here, if limit of limit extends to c f of x equal to n and limit extends to c x g of x equal to m. Two functions hai, ek function ka limit l hai as at x equal to c and isi tarah dusre function ka limit at x equal to c is equal to m. We have to find the limit extends to c product function f g of x equal to lm, which is equal to limit extends to c f of x into limit extends to c g of x. Important term, important result. We will discuss the proof of this result. Proof, dear students, यहां पे वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू एल एम, जिसके लिए एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड सी ऑफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्सटेंड सी डी ऑफ एक्स इक्वल टू एम, तब जाके ये हमें मिलेगा. वी हैव हमारे पास गिवन जो है लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्सटेंड टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास क्यों है. नाउ टेकिंग एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम, वी राइट दिस एज एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एल जी ऑफ एक्स प्लस एल जी ऑफ एक्स माइनस एल, ये वापस कैंसिल हो गया. एल टाइम जी ऑफ एक्स प्लस एल टाइम जी ऑफ एक्स, ये कैंसिल होगा, वी गेट द सेम. नाउ यहां पे इन दो टर्म्स में हमारे पास कॉमन मिलेगा, दैट इज जी ऑफ एक्स इनटू होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस, इन दो में से एल कॉमन मिलेगा, एल टाइम्स जी ऑफ एक्स माइनस एम. इस तरह यहां पे आप ऐड कर सकते हैं माइनस एम टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एम टाइम्स एफ ऑफ एक्स, उस तरह भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. हमने यहां पे एल टाइम्स जी ऑफ एक्स, एल टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एल टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एल टाइम्स जी ऑफ एक्स, या इस तरह भी हम कर सकते हैं एम टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस करना है, एम टाइम्स एफ ऑफ एक्स एड भी करना है. नाउ सी दिस, वी हैव हियर इट इज ए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी दैट इज लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ए दैट इज जी ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एल टाइम्स जी ऑफ एक्स माइनस एम, सॉरी माइनस एम. इस तरह नाउ वी हैव हियर मॉडुलस ऑफ ए बी इट इज नाउ इक्वल टू, ये इसी तरह होगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एक्स इट इज मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉडुलस, यहां पे भी मॉडुलस ए मॉडुलस बी, डियर स्टूडेंट वी हैव मॉडुलस ऑफ एल मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम. ये अब यहां पे रिमेंबर दिस, टेकिंग दिस एज फर्स्ट, यहां पे इफ दिस होल इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इन द नेबरहुड ऑफ सी देन लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू एल एम, तब जाके ये जो यहां पे एक्सप्रेशन है ये हमें लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, कोई एप्सिलॉन हमारे पास आना चाहिए, सच दैट the whole is less than epsilon in the neighborhood of c.
अब इसके लिए यहां पे जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एल, वी हैव लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा इन दिन पर और अब सी। इसी तरह यहां पे जी ऑफ एक्स माइनस एम, वी हैव लिमिट एक्स टेंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम, वी गेट ए नेबरहुड फॉर द सेम गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इन द नेबरहुड ऑफ सी। अब मसला यहां पे मॉडुलस ऑफ एल एंड जी ऑफ एक्स, अब मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एक्स एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर बाउंडेड फंक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया था। अब अगर यहां पे हमारे पास रिमेंबर दिस पॉइंट, जी ऑफ एक्स इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब किसी फंक्शन का लिमिट एक पॉइंट पे एग्जिस्ट होता है, देन दैट फंक्शन इज नेसेसरी बाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट होता है उस पॉइंट के नेबरहुड में वो फंक्शन नेसेसरी बाउंडेड होता है। अब जबकि जी एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होता है एम एट पॉइंट सी, तब जाके सी के नेबरहुड में नेसेसरी बाउंडेड होगा। तब बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या है वो हमने एक लेक्चर में डिस्कस किए, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज जी एक्स इज बाउंडेड, जी एक्स इज बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ सी। For this, there exists delta one positive such that g of x is less or equal to k for zero is less than x minus c is less than delta one. Remember this point. This can be written as r. g of x is less than k plus 1, k plus 1 for 0 is less than x minus c is less than delta 1. Remember this. ये हमारे पास as g x is bounded, ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है बाउंडेड फंक्शन और बाउंडेड सेट, वहां पे आप इसको देख सकते। Now we have, इसका मसला तो अब आगे चला गया। अब यहां पे एफ एक्स माइनस एल एज लिमिट ऑफ एफ एक्स इज एल एट पॉइंट सी, वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, देन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू पॉजिटिव बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय दिस वन के प्लस वन। यहां पे टू भी आप लिख लीजिए, किसमें फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। Remember this. It is simply definition of limit as epsilon delta definition. Epsilon का value हमने थोड़ा और small किया, that is epsilon divided by 2 into k plus 1. Now we have a limit of gx also exists and is equal to m. We have limit of, dear students, limit x tends to c g of x is equal to m, then for the same epsilon positive there exists delta 3 positive side, there kya hoga dear students, gx minus m is less than, yahan pe gx minus m is less than, that is epsilon divide 2 times modulus of L.
टू टाइम्स मॉडुलस ऑफ एल, लेकिन ये भी होगा फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा थ्री, ये कंडीशन हो रही है इस नेबरहुड में, ये कंडीशन हो रही है इस नेबरहुड में, और ये कंडीशन हो रही है इस नेबरहुड में, ये भी नेबरहुड ऑफ सी है, ये भी नेबरहुड ऑफ सी है, ये भी नेबरहुड ऑफ सी है। अब ये नेबरहुड ऑफ सी का इंटरसेक्शन मान के चले, या इस तरह मान ले फिक्स डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ये हम ले रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू इनमें से होगा वो हम डेल्टा लेंगे, दैट नेबरहुड बिकम्स, दैट इज डेल्टा नेबरहुड बिकम्स द इंटरसेक्शन ऑफ दिस नेबरहुड, दिस नेबरहुड एंड दिस नेबरहुड। डियर स्टूडेंट ये रिमेंबर दिस, this condition holds in this neighborhood and this condition fx minus l is less than this holds in this neighborhood and gx minus m is less than this holds in this neighborhood। ab hum fix kar rahe hain delta ka value minimum of these, that is we take intersection, intersection mein ye condition bhi satisfy hogi, ye condition bhi satisfy hogi aur ye condition bhi satisfy hogi। dear students now we write, ye hum chhod dete, दस इफ वी टेक दिस वन, दस हमारे पास होगा दिस वन जी एक्स मॉडुलस ऑफ जी एक्स इज लेस देन के प्लस वन कॉम, नेक्स्ट इज एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू इंट के प्लस वन, एंड दिस वन gx minus m is less than epsilon by 2 times modulus of l, for ye teenon conditions hongi 0 is less than x minus c is less than delta, remember this। ab ye teenon conditions hum yahan pe use karne wale hain first mein, kahan pe first mein hum use karne wale hain, therefore we get first is here just modulus of f of x fg of x minus lm, it is less or equal to, it is less or equal to, if we take value of k plus 1 here then it becomes here strict less। ab is modulus of g ka value hum le rahe k plus 1। Dear students, remember this point। Shabash। And f of x minus l, f of x minus l is here less than, it is into epsilon divided by 2 times k plus 1। हो गई प्लस, अब प्लस है यहां ये तीनों कंडीशन हो रही है जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। नाउ प्लस अब मॉडुलस ऑफ एल इनटू जी एक्स माइनस एम, मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम, मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय टू टाइम्स एल, एज दिस इज स्ट्रिक्ट लेस दिस, दिस इज स्ट्रिक्ट लेस दिस एंड दिस इज सिट्रिक, इसी तरह ये जो यहाँ पे लेस आर इक्वल टू चेंजेस इनटू सिट्रिक्ट लेस, लेकिन जब हमने ये वैल्यूज डाल दिए व्हाट हैपेंस दिस, ये कहां पे हो सकता है, जब हमारे पास नेबरहुड ये होगा फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इस नेबरहुड में ऐसा कुछ हो रहा है। नाउ इट इज नाउ के प्लस वन, के प्लस वन के साथ कैंसिल, मॉडुलस ऑफ एल, मॉडुलस ऑफ एल के साथ कैंसिल, दैट इज हमारे पास आएगा एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, दैट इज सिंपली एप्सिलॉन, कहां पे फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स माइनस टी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस नेबरहुड,
दैट इज इस फंक्शन का लिमिट एल एम है. दिस इंप्लाइज अस, यहां से हमें इंप्लाई हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एम, बट एल इज हियर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, एम इज हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स. इस तरह इस टर्म का प्रूव कंप्लीट हो गया. डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेमाल हासिल कर सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.